नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली सोनी द फैक्ट टाइम में आपको दिखा रही हूँ लगातार गुरुग्राम में चल रहे माई सफाई महाअभियान का जो कार्यक्रम है, जो कि डेरा के अनुयायी हैं उनकी तरफ से चलाया गया है। तो पूछते हैं लोगों से, जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित कुमार है, मुजफ्फरनगर से। कहाँ से आए आप? मैं मुजफ्फरनगर आवास विकास। जी कितने तादाद में, जैसे कि हम देख रहे हैं लोग आए हुए हैं, तो इनकी व्यवस्था कैसे की गई है? इनका खर्चा कौन उठा रहा है? किसके थ्रू आए हैं ये? तो ये पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए भी इनके वचनों पर लोग बाग चलते हैं। ये सेवा करते हैं, जैसे लोग बाग अपने जिनके पास, गुरुजी कहते हैं अपनी सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। जिसके पास पैसे हैं वो अपने धन से सेवा करता है, गाड़ी का किराया लगा देते हैं, खाने के लिए लंगर लगा देते हैं, तो धन से अपना सेवा करते हैं, वहाँ से उस चीज़ का अरेंजमेंट होता है। जी अब किसकी प्रेरणाओं पे चलकर आप कर रहे हैं? जैसे कि अब तो गुरुजी नहीं है डेरा सच्चा सौदा में, तो अब किसके कहने पर, किसके आह्वान पर जो इतनी जनता है वो किसके आह्वान पर इकट्ठी हुई है? एक गुरुजी अभी नहीं है, लेकिन उनके हम काफ़ी पहले से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके वचनों को मानते हुए अब तक उनके वचनों को फॉलो करते हैं और उनके जो आदेश भी आते हैं वहाँ से अंदर से आ जाते हैं। तो जैसे कुछ जिम्मेदार भाई बहन होते हैं तो वो गुरु जी के माध्यम से बात करके बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है जी। तो अपना उसी हिसाब से साथ संग चलती है। कितना योगदान रहा है गुरु जी का समाज को सुधारने में? कौन कौन से कार्य किए उन्होंने? देखिए गुरु जी का तो योगदान सभी भलाई कार्यों में रहते हैं, जैसे कि सफाई अभियान हो गया और एक फूड बैंक होता है, गरीबों को खाना खिलाना होता है, कपड़े दान करना होता है और काफ़ी अपना ब्लड दान होता है, ब्लड बैंक चलाते हैं गुरुजी। और अपना हॉस्पिटल भी है गुरुजी के, मेडिकल कॉलेजेस है, उनमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, काफ़ी चीज़ों को योगदान दिया जाता है जी। तो जैसे कि देख रहे हैं आज हम काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, क्यों आ रहे हैं लोग, कितनी भावनाएँ हैं इनकी जुड़ी हुई जो डेरा सच्चा सौदा से? देखिए लोग बाग जब गुरुजी के साथ जुड़े थे तो किसी ना जब जुड़े थे तब से लोगों के हालात पहले से काफ़ी बदले हुए हैं, उनको पहले से भी उनको अच्छा लगा और वो जो लोग पहले थे जिस स्टेज पर थे उस स्टेज से आगे बढ़े। उनकी फैमिली में जो लोग शराब वगैरह पीते थे उन्होंने शराब वगैरह छोड़ी, उनके घर में परिवार अच्छा है, अपना खुशहाली से जी रहे हैं, तो इसीलिए गुरु जी के साथ अब तक जुड़े हुए हैं और अपना भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। समाज में कितनी ज़रूरत है गुरु जी की, अपील क्या करेंगे आप सरकार से? कि समाज में तो गुरु जी की ज़रूरत है, क्योंकि जो इतनी भलाई के कार्य कराता है उन लोगों की ज़रूरत समाज में नहीं होगी तो कहाँ होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आप देख सकते हैं जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं वो यहाँ गुरुग्राम में आए हुए हैं, महा जो सफाई अभियान है वो चलाया जा रहा है। आप भी देखते रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम में। धन्यवाद।